हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स गुरुजी यूट्यूब चैनल। कैरेबियन प्रीमियर लीग में आज खेला जाएगा सेंट लुसिया स्टार्स वर्सेस सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स का मैच। तो ये जो वेन्यू है वो है डैरन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम सेंट लुसिया में। अगर हम देखें, दो मैच यहाँ पर पहले हो चुके हैं और ज़बरदस्त स्कोर वहाँ पर बना था। वो वाले दोनों मैचेस में आपको समझाऊंगा क्या क्या हुआ था उस वाले मैच में। एक बार देखना, अगर आपने नहीं देखा होगा तो उससे पता चलेगा कि क्या स्कोर उस वाले मैच में बन सकता है। टोटल अगर हम यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस देखें तो 12 हुए हैं, और अगर इसमें से देखें तो 5 बार जो है वो बैट फर्स्ट जीती है और 7 बार जीती है बॉल फर्स्ट। एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल तो यहाँ पे 154 बन रहा है और एवरेज सेकंड इनिंग टोटल 148 बन रहा है। पर अगर हम देखें लास्ट दो मैचेस के बारे में भी एक बार देखेंगे तो हाईएस्ट स्कोर जो है वो 197 7 विकेट खो करके, और लोएस्ट स्कोर 105 है। यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल की ये बात हो रही है। अब ये जो इस वाले सीजन में CPL के हुआ, पहला मैच हुआ था TKR वर्सेस सेंट लुसिया का। सेंट लुसिया ने बहुत ज़बरदस्त 212 रन करे, डेविड वॉर्नर ने 72 रन करे थे। बहुत टाइम से चल नहीं रहे थे इस वाले मैच में, चले थे डेविड वॉर्नर। कारण पोलार्ड ने 65 रन करे थे। रकीम कॉनवॉल नंबर 3 पे खेलने आ रहे हैं लास्ट दो मैचेस से, इन्होंने 53 रन करे। जेवन सरल्स ने एक विकेट ली थी। फिर TKR बैटिंग करना है, इसमें DM ब्रावो ने ज़बरदस्त 94 रन करे। ब्रेंडन मकलम ने 68 रन करे। मिचे मक्लैनिगन को 2 विकेटें मिली और रकीम कॉनवॉल को भी 2 विकेटें मिली थी। फिर जो नेक्स्ट मैच हुआ उस मैच में फिर से सेंट लुसिया ने 226 रन करे, मतलब 200 का आंकड़ा पार किया, जिसमें कारन पोलार्ड ने 100 रन करे, आंद्रे फ्लेचर ने 80 रन करे, रकीम कॉनवॉल ने भी 30 रन बनाए थे। नंबर 3 पे खेलने आए थे वो। फिर वहाब रियाज ने 3 विकेटें ली थी, रोमन राइफर ने 2 विकेटें ली थी। बारबेडोस ट्रायंड के अगेंस्ट वो मैच था, बारबेडोस ट्रायंड्स ने 188 रन नहीं कर पाए वो, खैर 6 विकेट खो करके, जिसमें ड्वेन स्मिथ ओपन कर रहे थे, 58 रन उन्होंने करे। स्टीव स्मिथ ने 5वें 6 नंबर पर आकर 28 रन करे थे। मकॉय ने 3 विकेटें ली थी और क्विस अहमद ने 2 विकेटें ली थी। तो ये दो मैच की समरी है जो यहाँ पर हो चुके हैं और आज तीसरा मैच यहाँ पर होना है। एक बार प्लेइंग 11 की तरफ नज़र डालें, आंद्रे फ्लेचर डेविड वॉर्नर ओपन करते हुए नजर आएंगे आपको। लैंडल सिमंस नंबर 3 पे, वैसे तो स्क्वाड के अंदर ऐसे दिखाया जाता है कि नंबर 3 पे वो आते हैं, पर नंबर 3 पे रकीम कॉनवॉल ही आएंगे। लास्ट दो मैचेस अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहा है, और थोड़े से मैं ये भी बोलूंगा कि थोड़ा सा वेस्ट हो जा रहा है हमारा अगर हम जब भी लैंडल सिमंस को ले रहे हैं, क्योंकि इनकी बैटिंग इतनी आ नहीं पा रही है और जिस मौके पर आ रही है फिर वो वहाँ पर इतने इफेक्टिव साबित नहीं होते। तो आएंगे, ऐसा भी हो रहा है अगर टॉप 3 की पार्टनरशिप लग जाएगी, जैसे रकीम कॉनवॉल भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और ये 3 भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है लास्ट कुछ मैचेस अगर हम देखें, तो फिर कारण पोलार्ड अपने आप को प्रमोट कर दे रहे हैं। तो ये यहाँ पर दिक्कत ये हो रही है, इसलिए लैंडल सिमंस की बैटिंग इतनी खास आ नहीं पा रही। तो सोच समझ के लैंडल सिमंस को लेना इस वाले मैच में, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। खेलेंगे तो 100%, पर थोड़ा सा बैटिंग आए ना आए वाली बात वाली है। फिर डैरन सैमी 6 नंबर पर, क्विस अहमद, के हॉज, मिचे मक्लैनिगन है, कैसरिक विलियम्स अगर फिट होते हैं तो फिर खेलेंगे, नहीं तो उडैन स्मिथ लास्ट मैच में खेले थे वही खेलेंगे, और मकॉय खेलते हुए नजर आएंगे, 11 नंबर पे बॉलिंग करेंगे। अब सेंट किट्स की प्लेइंग 11 एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर गेल और लुइस ही ओपन करेंगे। गेल आपको पता है क्या कर सकते हैं, लुइस भी आपको पता है, पर गेल तो रन कर रहे हैं पर लुइस बिल्कुल भी रन नहीं कर रहे हैं। पर आपको पता है जिस दिन ये लुइस चलेगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। टॉम कूपर लास्ट 3 मैच खेले हैं, तीनों में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि ब्रेंडन किंग को मौका दिया जा सकता है। ये ऐसा माना जा रहा है, कंफर्म न्यूज़ नहीं है, मैं बोलूँगा आपको। और नंबर 4 पे अगर हम देखें एंटन डेविसिच हैं, अगर टॉम कूपर नहीं खेलते तो नंबर 4 पे डेविसिच, नंबर 3 पे डेविसिच भी आ सकते हैं। डेवन थॉमस है, इन्होंने भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है एक आध मैच में। मोहम्मदुल्ला खेलेंगे, फिर बेन कटिंग होंगे, कार्लोस ब्राथवेट होंगे, लुइस एक मैच में 2 विकेट इन्होंने ली थी लास्ट मैच में, फिर इनसे एक ही ओवर करवाया गया। तो ये एक प्लेयर है, कॉटरल है और संदीप लामिचानी है। संदीप लामिचानी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। अब चलते सर ड्रीम इलेवन टीम की तरफ, मैं आपको टीम देता हूँ क्या मैंने बनाई है। सबसे पहले विकेट कीपर नो डाउट आंद्रे फ्लेचर को ही लेना ठीक रहेगा, क्योंकि ओपन करने वाले हैं, और अगर हम देखें तो 89% लोगों ने लिया हुआ है। अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहते हो, बहुत बड़ा डिफरेंस अगर आप लाना चाहते हो अपनी टीम में, तो डेवन थॉमस को ले सकते हो। अगर आंद्रे फ्लेचर के इससे ज़्यादा रन या फिर कैचेस जो पॉइंट हैं उनके ज़्यादा होंगे तो आपको नो डाउट बेनिफिट जरूर होगा। अब 4 मैंने बैट्समैन लिए हैं, क्रिस गेल, बहुत से लोगों ने इनको छोड़ा होगा नो डाउट, मैं बोलूँगा सिर्फ 21% लोगों ने लिया हुआ है। इवन लुइस को बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, अगर 30-40 बॉले खेल गए तो समझ लो फिर काम ही कर देंगे, तो इसलिए इनको मैं ले रहा हूँ। इवन लुइस को यहाँ पर से 21% लोगों ने लिया हुआ, मैंने इनको लिया हुआ, डेविड वॉर्नर को भी लिया हुआ और एंटन डेविसिच को मैंने लिया हुआ। तो ये 4 प्लेयर मैंने यहाँ से लिए हुए। टॉम कूपर थोड़े से रिस्की होंगे, लैंडल सिमंस आप ले सकते हो, जैसे कि मैंने प्लेइंग 11 भी आपसे डिस्कशन करा। डैरन सैमी एक अच्छा ऑप्शन आपके पास रहने वाले हैं। अब बाकी मैं ऑप्शंस के बारे में बात नहीं करूंगा। अब जो 3 ऑलराउंडर्स हैं वो मैंने यहाँ से, कारन पोलार्ड तो आपको लेना ही है क्योंकि यही एक बंदा फॉर्म में चल रहा है, बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है, बैटिंग भी अच्छी कर रहा है। कार्लोस ब्राथवेट अगर बैटिंग आएगी तो डिस्ट्रक्टिव है, 15-16 बॉल पे 30-35 रन ये बना सकते हैं, ज़बरदस्त प्लेयर है 12-13 बॉलों पे। सेम बैन कटिंग है तो यहाँ से मैंने लिया हुआ मोहम्मदुल्ला, इनसे लास्ट मैच में ओवर नहीं कराए गए थे पर कहीं ना कहीं ये बॉलिंग जरूर करेंगे और कहीं ना कहीं इनकी बॉलिंग बहुत अच्छी मानी जा रही है, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी है ऐसी पिचेस पर, खासतौर से वेस्ट इंडीज़ की। तो मोहम्मदुल्ला को मैंने यहाँ से लिया हुआ है, और मैंने लिया हुआ रकीम कॉनवॉल को क्योंकि नंबर 3 पर रेगुलर 2 मैचेस से
खेल रहे हैं। एक मैच में 30 करा, एक मैच में 50 से अबव रन करा, 2 विकेटें भी लिए, तो रकीम कॉर्नवाल को मैं यहाँ से ले रहा हूँ। अब जो तीन मैंने बॉलर लिए हैं वहाँ पर थोड़ी सी अब दिक्कत हो सकती है, जैसे कि मैंने लामी चानी को लिया हुआ है और कोई सहमत को लिया, पर यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 8 क्रेडिट बच रहे थे तो मैंने उडैन स्मिथ को तो नहीं लिया, यहाँ से मैंने लुइस को लिया। तो यहाँ पर एक ये दिक्कत हो सकती है कि इस प्लेयर पे थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, तो सोच समझ के लेना अगर ले रहे हो। 8 क्रेडिट का एक यही बॉलर मेरे पास बच रहा था, तो थोड़ा सा मैं रिस्क लेकर के चल रहा हूँ, लुइस को मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। चाहो तो जैसे कि मैं बहुत से ऐसा हुआ भी होगा, अगर आप देखना चाहो तो लुइस को हटाया होगा बहुत सारे लोगों ने, कम लिया होगा, चाहो तो हटा सकते हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि लुइस को हटाना बेवकूफ़ी हो सकती है, क्योंकि अगर ये चल गया तो फिर बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। पास सीज़न निकाल के देखो 2-2.5 शतक इन्होंने बनाए हुए हैं ACC, और अच्छे खासे प्लेयर है, मुझे कोई बोलने की ज़रूरत नहीं आगे। अब आगे बढ़ते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन करते हैं। तो कैप्टन इस मैच में, क्योंकि पोलार्ड इतनी ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहा है, बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छी कर रहे हैं, इसलिए पोलार्ड को मैं कैप्टन बना रहा हूँ। वाइस कैप्टन अगर यहाँ से देखें तो क्रिस गेल को रख रहा हूँ। ऑप्शन अगर आपके पास रहो हैं तो थोड़ा सा दिल कमज़ोर दिल के आप नहीं हो तो यहाँ पर जा सकते हो, इवन लुइस को बना सकते हो, बहुत ही एक तरफा मैच कर देंगे अगर चल गए तो, ये आपका अच्छा ऑप्शन रह सकता है। यहाँ से डेविड वॉर्नर भी अच्छा ऑप्शन रह सकता है, और आंद्रे फ्लेचर अच्छा ऑप्शन है, डेविसिच थोड़ा सा मैं चौथे नंबर पर है बैटिंग इसलिए नहीं बोलूँगा, और रकीम कॉर्नवाल को ट्राई जरूर करना नंबर 3 पर है। इवन लुइस को एक मैच में 6 टीमें बना रहे हो तो कैप्टन जरूर करना, ग्रैंड लीग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको दे सकते हैं। तो यहाँ पर लुइस ये भी थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अपना ध्यान देना, किसी एक प्लेयर को ऊपर नीचे करके इसको चेंज कर सको तो कर लेना, अदरवाइज इस टीम से भी जा सकते हो। होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, लाइक का बटन दबा के जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।